हरे कृष्णा अध्याय चौथा श्लोक नंबर 33। श्रेयान् द्रव्यमायाद् यज्ञज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ, हे परन्तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इसका तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथात ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। दोस्तों, अब यहाँ पे भगवान क्या हमें सूचित करते हैं इस श्लोक के द्वारा, कि यज्ञ कोई भी करे उसका ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? उसका प्रयोजन ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसमें। क्योंकि यज्ञ जो ज्ञान में किया जाता है, वो बढ़कर है जो यज्ञ भौतिक वस्तुओं के लिए किया जाता है, द्रव्यों के लिए किया जाता है। तो सभी यज्ञों का एक ही मूल हेतु है, क्या है? दिव्य ज्ञान पाना। बाकी सब यज्ञ जो दिव्य ज्ञान छोड़कर किए जाते हैं, उसको भौतिक काउंट किया जाता है, मटेरियल एक्टिविटी काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मूल हेतु है यज्ञ का, वो तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है और इस दुखमय भौतिक संसार से मुक्त होना है, रिलीज होना है। और तीसरा, भगवत प्रेम, प्रेमामयी दिव्य सेवा करना है। किसके? उस भगवान श्री कृष्ण के। तो ये जो रहस्य है, ये क्या है? अलग अलग विविध प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं, ये इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि अलग अलग किस्म के लोग हैं और अलग अलग उनकी श्रद्धाएं हैं। तो ऐसे यज्ञ करते वक्त कभी कभी कर्ता, जो यज्ञ करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फेथ आ जाती है उस यज्ञ में, और उस हिसाब से उसको फल की प्राप्ति होती है। तो जो ज्ञान में, दिव्य ज्ञान के तरफ मुड़ते हैं, चलते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि यज्ञ तो मूल उद्देश्य यही है कि भगवत भक्ति प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, ना कि कोई भौतिक वस्तुओं के लिए यज्ञ करना। क्योंकि वो सभी यज्ञ भौतिक कहलाएंगे अगर उसमें भगवत प्राप्ति ना हो, दिव्य ज्ञान ना हो। तो ये यज्ञों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो करते हैं लोग, उसको दो प्रकार में
बांटा गया है प्रभुपाद यहाँ पे लास्ट लाइन में बताते हैं ये किस वजह से होता है, ये चेतना भेद की वजह से होता है, डिफरेंसेस इन कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। ये दो तरह के होते हैं जैसे हमने पहले भी सुना था, एक कर्म कांड के हिसाब से और एक ज्ञान कांड के हिसाब से, मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर नॉलेज इन परसुएंस ऑफ ट्रूथ। तो ये जो ज्ञान कांड है दोस्तों, इसको आप कंफ्यूज मत कर लीजिएगा ज्ञान दिव्य ज्ञान के साथ। जो ज्ञान यहाँ पे बात हो रही है वो भगवान कृष्ण के संबंध में है, और ये क्या है, दिव्य ज्ञान है, और ज्ञान कांड अलग है। ये लोग जिज्ञासा, आगे जाके भगवान बताएंगे इसके बारे में भी, ये वो लोग हैं जो भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस में हैं, उसको ज्ञान कांड कहते हैं। तो इसमें बहुत बार भटकने की भी बहुत संभावना है। तो मूल जो है उद्देश्य वो दिव्य ज्ञान पाने की है। भक्ति जो है दोस्तों ये आसान नहीं है, मगर कलयुग में ये आसान बन गई है सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के कारण, अहितु की कृपा के कारण। वो क्या है, हरि नाम का जप करना, भगवान के नाम का जप करना, ये सबसे बड़ा परोधर्म है, जैसे भागवतम में कहा गया है। आप भक्ति को पूजा पाठ के साथ कंपेयर मत कीजिएगा या फिर उसको उस तुलना में मत लीजिए। पूजा पाठ जो होती है, लोग बोलते हैं कि आप तो ये सब क्यों करते हैं, पूजा पाठ ही तो है ना, तो कोई भी देवी देवता का कर ले तो एक ही तो बात हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ अलग है और भक्ति अलग है। भक्ति दिव्य स्तर पर होती है और पूजा पाठ भौतिक स्तर पर होती है। जैसे यहाँ पे यज्ञों की बात हो रही है, भगवान बता रहे हैं, शीला प्रभुपाद हमें उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं हमें। तो हमको प्रयास करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं वो भौतिक होता है, भौतिक स्तर पर। मगर जब वही चीज़ हम भगवान कृष्ण को पाने के लिए करते हैं, उनको जानने के लिए करते हैं, तो उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति वही है जो हम किसी भी कार्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। भौतिक जगत में हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, सफ़र कर रहा है, दुखी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहा है कि वो खुश है, डीपी पे, स्टेटस पे, न जाने कहाँ कहाँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब अपने तस्वीर लगा के लोगों को धोखे में डाल रहे हैं कि हम खुश है देखो, मगर अंदर से हर कोई उस भौतिक जगत के माया के अग्नि में जल रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ तो विविध प्रकार के जो दिव्य रस है वो अनुभव करते हैं भगवान और उनके भक्त भगवान के साथ। तो जो जिंदगी वहाँ, जो जीवन वहाँ पे जी जाती है वो रियल लाइफ है, वो असलियत में है। तो जो भौतिक संसार में जो हम जीते हैं ये उसका विकृत जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जिसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन कहते हैं। उदाहरण तौर पे एक कहानी आपको सुनाई जाए तो ऐसी है, आपको समझने के लिए ये इजी होगा। एक बार की बात थी कि एक रानी थी राज्य की, वो नहा रही थी सरोवर में। तो जब नहा रही थी उसका एक कीमती नेकलेस, गले का हार, एक कौवा उड़ा के लेके गया और वो चला गया, उड़ गया। तो अब वो जो रानी है वो बहुत गुस्सा हो गई, उसने राजा से कहा कि मुझे अपना जो हार है, गले का हार है, वो वापस चाहिए। तो राजा ने कहा कि तुम्हें वो जो इतनी कीमती हार है, चलो क्यों चाहिए तुमको, तो पुरानी हो गई है, मैं तुमको नया वाला लेके दे दूंगा। तो रानी ने ज़िद की कि नहीं, मुझे वही हार चाहिए, वही गले वाला हार चाहिए।
तो राजा ने डंका पिटवा दिया राज्य में। चूंकि वो सिर्फ 1 लाख के करीब का हार था, तो भी उसने घोषणा करवा दी, जो भी वो हार पुराना हार लेके आएगा उसको 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। अब सब जो राज्य के लोग हैं वो लगे पड़े ढूंढने के लिए रानी का हार, ढूंढे। तो बहुत मशक्क़त के बाद एक जो इंसान था वो एक नदी के किनारे खड़े रह के बहुत प्रयास कर रहा था। वो जो हार था उसको वो नदी में दिख रही थी, तो उसको प्रयास कर रहा था निकालने में। तो वहाँ से एक साधु पुरुष जा रहे थे, उन्होंने देखा ये बंदा बहुत ही ट्राई कर रहा है, कुछ मुश्किल में है, बहुत दुविधा में है। तो उसने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या तुम प्रयास कर रहे हो? तो फिर उस व्यक्ति ने हंसकर कहा कि देखिए ना साधु महात्मा, ये जो महारानी का हार है ये आधे महीने के बाद मुझे ढूंढ ढूंढने पर मिला है। अब मैं इसको जाल लगा के फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, न जाने किस किस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो निकल ही नहीं रहा है। तो फिर साधु महात्मा ने देखा नदी में, तो वो थोड़ा सोचने लगे। फिर उन्होंने उस बंदे को हंसकर कहा कि आ जाओ ज़रा इस तरफ, बाहर आ जाओ थोड़ी दूरी पे, और ऊपर पेड़ पे उसको दिखाया, देखो वो जो गले का हार है वो तो कहाँ पे है, वो तो पेड़ पे है, नदी में नहीं है। तो बहुत खुश हो गया वो बंदा नाचने लगा और जय जयकार करने लगा साधु महात्मा की। बोला कि आप श्रेष्ठ हो, आप तो धन्य हो, आपने सब बेड़ा पार कर दिया, आपको मैं आधी कीमत दे दूंगा पुरस्कार का, ये वो। तो साधु महात्मा ने कहा नहीं नहीं मुझे कोई पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, तुम उस हार को ले लो, वो तो झाड़ पे पड़ी है, मगर वो जो नदी में दिख रहा था वो तुम्हारी गलतफहमी थी, वो तो विकृत ये था, रिफ्लेक्शन था, उसका प्रतिबिंब था, असली हार तो झाड़ के ऊपर है। जैसे कि माया हमें धोखा डालती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चमकता है वो सोना नहीं है। तो माया भी हमें अपनी चमत्कारी रूपों से ललायित करते रहती है, ये ले लो वो ले लो, ये देखो वो देखो, और हम उसको सच मान बैठते हैं और उसको पाने के चक्कर में दुखी हो जाते हैं। ना जाने कितने यज्ञ प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी द्रव्य यज्ञ करने जाते हैं, कभी प्राणायाम करने जाते हैं, कभी स्वाध्याय यज्ञ करने जाते हैं, तपो यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मगर अंत में एक ठेला भी नहीं लगता है और दुखी के दुखी ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक असली चीज़ के बारे में हमने पूछा ही नहीं है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है, वो हमें कैसे मिलेंगे। तो वो असली दुनिया है, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ अपने सुंदर रूप में वहाँ पे एटर्नली शाश्वत अपने अनलिमिटेड लीलाओं के साथ रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो जब सत्संग उसने सुना उस व्यक्ति ने उस साधु महात्मा से, तो वो बहुत खुश हो गया, उसने और सुनने की इच्छा जागृत की। तो ये भौतिक जगत जो है उस नहार के जैसे विकृत प्रतिबिंब है पानी में। जैसे आप नदी के किनारे खड़े रहते हो और झाड़ कोई हो नदी के किनारे, तो उसको पानी में उल्टा देखते हो, मगर अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा कि ये तो विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो मगर जो मूर्ख व्यक्ति है वो तो बोलेगा, नदी में देख के ही झाड़ को बोलेगा, ये देखो झाड़, ये देखो असली झाड़, ऐसे बोलेगा, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे, ऑब्वियसली मूर्ख बोलेंगे। तो हम जहाँ रह रहे हैं ये विकृत प्रतिबिंब है जो माया ने क्रिएट किया है हमें भटकाने के लिए। तो इसीलिए ये प्रयास इसीलिए किया जा रहा है, भगवान स्वयं हमें अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम सदैव नित्य खुश रहे, ना कि कभी कभार झूठा खुशी पाए।
सच्ची खुशी पाए, यही भगवान हमारे असली हितैषी बनकर हमें बता रहे हैं भगवद गीता में, और श्रीला प्रभुपाद हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।